जाने का वक्त है। हे बुद्धू, तुम किसकी तरफ हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज यहाँ बहुत सारा एक्साइटमेंट है। फुलझड़ियों को ऐसा सबक सिखा रहा हूँ जो ये भूलेंगे नहीं। हे चंकू जोकर, हमें पकड़ कर तो दिखाओ। हुआ क्या है? सबसे बड़े थर्मोमीटर को एक लाइटनिंग रॉड की तरह इस्तेमाल किया। कोई एलियन सुपरहीरो की क्या जरूरत जब हमारे पास एक तेज दिमाग है। और ये जमीन असल में बहुत बड़ी कंडक्टर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ओह नो, मतलब मेगावाट जमीन के अंदर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं जब तक उन्हें सतह पर आने का रास्ता नहीं मिलता। वो अंडरग्राउंड फोन लाइंस में है। कानी शरारते, लगता है हम सबकी जान लेकर रहेंगी। ऐसे खड़े मत रहो बेवकूफ, जल्दी कुछ मदद करो। जैसे कि मैंने कोशिश ही नहीं की। आखिर वो गए कहाँ? मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये ठीक नहीं लगा। ये नजारा रोज रोज देखने को नहीं मिलता। उन्होंने उस प्लैनेटेरियम वाले मॉडल को जिंदा कर दिया। चलो हम उसे ले चलते हैं। ओह नो, यू एम लेम, ये अजीब है। इन्होंने ग्रामर और स्पेलिंग की क्लास तो कभी अटेंड ही नहीं की हो। मेरे ख्याल से वो बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के पास जाकर पावर लेंगे, उसके बाद वो शहर मिटा देंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे। उन्हें ये मजेदार लगता है। वाकई मेगावाट्स का सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अजीब है। तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। हाँ, उन बदमाशों को उन्हीं के खेल में हराना। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। ये अजीब हरकतें बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें जोरदार झटके दूंगा। इसे जल्दी से बंद कर दो। हाँ,
रहे हो। क्या बात है, मजाक बर्दाश्त नहीं होता। लग गया ना सचमुच का झटका, अभी से हार मान लो तो अच्छा होगा। मिस कर दिया बुद्धू। बेन ने कर दिया, वो हमारे जाल में फंस गए। फिश बॉल यूज करना अकलमंदी थी। नॉन कंडक्टिव ग्लास में टाइट सील होकर स्पार्की और उसके दोस्त कहीं नहीं जाएंगे। फिर एक बार साइंस ने सबको बचाया, थोड़ी बहुत साइंस फिक्शन की मदद लेकर। तुम लोगों ने हम पर बहुत एहसान किए। आई होप ये एडवेंचर स्पार्क्सविल के लिए ज्यादा नुकसानदेह नहीं था। हम तो एक कदम आगे बढ़ गए। हमारे नए अट्रैक्शन के साथ जल्द ही यहाँ खूब भीड़ आएगी। सबसे बड़ा लाइट बल्ब, अब तो तहलका मचेगा। पर लोगों को साइंस का ध्यान रखना होगा। इमरजेंसी के वक्त कांच मत तोड़ना। अब कुछ वक्त के लिए शरारत बंद। हर मजाक के लिए अपनी एक जगह और वक्त होता है।